मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद भी रिश्वत का खेल रुक नहीं रहा है और आए दिन युवा अधिकारी इस चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील से सामने आया, जहां युवा तहसीलदार उमेश तिवारी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया। दरअसल कुलदीप मिश्रा ने सागर लोकायुक्त में शिकायत की कि उनका प्लॉट वैध है, फिर भी तहसीलदार उमेश तिवारी ने उसमें स्टे करके नामांतरण के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी है, जिससे परेशान होकर पीड़ित सागर लोकायुक्त से कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हमारा बड़ी फील्ड माधवगंज सर्विस स्टेशन के पीछे 45x70 का प्लाट है, जो कि काफी दिनों से निर्माण काल उसमें चल रहा था, जिसको लेकर के उमेश तिवारी तहसीलदार द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा था। जो कि मेरे पास नामांतरण और सारे कागजात नंबर 1 का प्लाट है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। फिर क्या किया आपने? उसके बाद उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा श्रीमान जी गरीब आदमी है, किसान है और पैसा नहीं है, और आप उस बोले नहीं मैं उसमें स्टे देता हूँ। और अभी मैं परसों के दिन गया तो उन्होंने मेरी गाली गलौज भी की और उन्होंने पैसे की मांग की, 1 लाख रुपये मुझसे मांगा। मैंने कहा श्रीमान जी कुछ पैसे कम करके बात करें तो मैं 50,000 की व्यवस्था करता हूँ। फिर मैंने आनंद फानंद जैसे कैसे करके 1 लाख रुपए की व्यवस्था की, लेकिन मैं यदि 1 लाख रुपए इनको देता तो मेरे घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती, जिसके कारण मैंने लोकायुक्त सागर संपर्क किया और मैं सागर गया और मैंने वहाँ पे अधिकारियों को बताया कि श्रीमान जी ऐसी ऐसी बात है, जो कि पूरी अजयगढ़ की जनता परेशान है उनसे। अजयगढ़ को 1 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दिनांक 18 को आवेदक अंकित मिश्रा द्वारा शिकायत की गई थी और जिस पर हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज टेप की कार्रवाई की। अभी आगे सर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई जारी है सर। तहसीलदार कह रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है। अब ये तो हर आरोपी कहता है, विधिवत कार्रवाई की।